उज्जैन के भैरवगढ़ थाना परिसर में बनी पानी की टंकी के ऊपर से एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। ना तो पानी की टंकी के आसपास बाउंड्री वाल है और ना ही पानी की टंकी की देखरेख के लिए कोई चौकीदार। जबकि राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां पर भी पानी की विशाल टंकियों का निर्माण किया हुआ है वहां पर बाउंड्री वॉल और चौकीदार रखना अति आवश्यक है, पर उज्जैन शहर के अंदर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही देखी जा सकती है। पानी की टंकी के आसपास ना बाउंड्री वॉल है ना ही गेट लगा हुआ है। जिम्मेदारों की लापरवाही का परिणाम यह है कि एक गरीब युवक जो पहले से परेशान था वह पानी की टंकी पर चढ़ गया और थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देना उचित नहीं समझा। बचाने की कोशिश नहीं की गई उस युवक को और काफ़ी देर तक मुख्य रोड पर भीड़ लगी रही। गंभीरता से अगर मामले को लिया होता पुलिसकर्मियों ने तो एक युवक की जान नहीं जाती। पहले रेस्क्यू कर नीचे जाल बिछा दिया जाता ताकि वह युवक अगर गलती से भी छलांग लगाता तो नीचे जाल पकड़े हुए रहते। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।